हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 8B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है कि चित्र में, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है। देख लिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी डी ई, देखिए ध्यान से, ए बी डी ई और ए सी डी एफ, ए सी डी एफ समांतर चतुर्भुज है, साथ ही साथ ही ए जी डी एच भी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है क्या है, ए जी डी एच एक समांतर चतुर्भुज है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। दिया है कि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है, सम षटभुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि यहां पर ए बी डी ई, ए सी डी एफ और ए जी डी एच समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है, सम षटभुज दिया हुआ है। देखो जब ये सम षटभुज है, ये सम षटभुज है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। उसी तरह से यहाँ पर ये वाली भुजा भी इस भुजा के समांतर और बराबर होगी, तो ये दोनों तो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी समांतर हो जाएगा ई डी के, तथा ए बी बराबर भी हो जाएगा ई डी के। फिर दूसरी हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ए एफ बराबर, यहाँ समांतर हो जाएगा सी डी के, ए एफ समांतर हो जाएगा सी डी के, तथा ए एफ बराबर भी हो जाएगा सी डी के। तो इसलिए ये और ये क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। इसलिए ए बी डी ई और ए सी डी एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ही हमें दिखाना है। तो ये दोनों तो हमारे समांतर चतुर्भुज हो गए। अब इसके बाद देखिए, अब ये दोनों जब समांतर चतुर्भुज दिखा दिए तो यहाँ देखिए, ये जब समांतर चतुर्भुज दिखा दिए तो यहाँ से देखिए, इस समांतर चतुर्भुज से हम लोग देख रहे हैं कि ए समांतर हो जाएगा बी डी के, होगा ना जी। या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ए एच समांतर होगा डी जी के। फिर इस वाले समांतर चतुर्भुज से देखेंगे, ठीक है, ए सी डी एफ वाले से, तो यहाँ पे ए सी समांतर हो जाएगा एफ डी के। या आप इससे, ए सी समांतर एफ डी है तो ये भी लिख सकते कि नहीं कि ए जी समांतर हो जाएगा एच डी के। तो देखो ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो आपका हो गया ए जी डी एच भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए ना। तो सिंपल है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, दो त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी बी सी क्रमशः डी और ई एफ के समांतर और बराबर है। तो दिखाइए कि ए सी डी एफ के बराबर और समांतर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं ए बी सी और यहाँ ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ए बी जो है ना, ए बी समांतर है डी ई के। अच्छा तो इसमें गड़बड़ हम लोग नाम ले लिए हैं, ठीक है, उसी के हिसाब लेते हैं। डी ई एफ यहाँ ले लेते हैं, डी यहाँ, ई यहाँ और F यहाँ, अब ठीक है, ठीक है ना, इसके पहले गड़बड़ हो गया था। चलिए हम लोग इसको डॉटेड मिला देंगे,
ठीक है, इससे फायदा होगा मैं देखना। उसको हमने लॉटरी मिला दिया, ये हम अलग से मिला है, एक्चुअल में ये रचना में लिख देंगे इस चीज को, ठीक है, समझाने के लिए मैं पहले ही मिला दिया। चलिए हमारे पास देखिए फिगर में क्या देखने को मिल रहा है कि ये ए बी जो है ना समांतर है डी के, बी सी समांतर है ई एफ के और बराबर भी है। तो हमें दिखाना कि ए सी डी एफ के समांतर होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी समांतर और बराबर है डी के, बी सी समांतर और बराबर है ई एफ के, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए सी जो है समांतर होगा और बराबर भी होगा डी एफ के। चलिए इसमें हम लोग रचना करें हैं, रचना क्या करें हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी फिर बी ई तथा सी एफ को मिलाया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका प्रमाण, यहां पर ए बी समांतर और बराबर दिया है डी के, दिया है ना जी, देखिए ए बी समांतर दिया है और बराबर दिया है डी के, तो इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि अब हो जाएगा ए डी समांतर हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा बी ई के। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा दिया है बी सी समांतर है और बराबर है ई एफ के, ये दिया है बी सी, ये वाला समांतर और बराबर दिया है किसके, ई एफ के। तो ये वाला समांतर चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं, क्या नाम है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसलिए बी सी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से बी ई समांतर और बराबर हो जाएगा सी एफ के, ठीक है। अब देखिए ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि बी समांतर और बराबर है एडी के, बी समांतर और बराबर है एडी के, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका बी है समांतर और बराबर है सी एफ के, तो यानी कि इन दोनों से अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा एडी समांतर भी और बराबर भी हो जाएगा सी एफ के, ए डी समांतर हो गया और बराबर हो गया सी एफ के, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया ए सी एफ डी, तो यहां से ए सी समांतर और बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए ए सी समांतर भी है और बराबर भी है डी एफ के, ये आपका प्रमाणित हो गया, इन्हें मैं साबित करके दिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि डी एम परपेंडिकुलर है ए सी पर और बी एन भी परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए सी पर, तो दिखाना है कि बी एन डी एम एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और क्या दिया हुआ है कि DM परपेंडिकुलर है AC पर और यहाँ BN परपेंडिकुलर है AC पर। तो सिद्ध करना है कि BNDM एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हमें ये दिखाना है, समझ गए। चलिए अब आगे इसका देखते हैं, इसका प्रमाण, हम लोग एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो सीपीसीटी से इसके बराबर हो जाएगा,
और ये दोनों चूंकि लंब है इस रेखा एसी पर, विकर्ण एसी पर, तो हम जानते हैं एक ही रेखा पर जो लंब होते हैं आपस में समांतरता समांतर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो पहले इन दोनों को हम लोग यहाँ पे सर्वांग सम करते हैं। तो कर लेते हैं त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज सी एन बी, ए एम डी और यहाँ पर सी एन बी, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए अब क्या हो जाएगा, एंगल ए एम डी बराबर में एंगल सी एन बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, प्रत्येक 90 दोनों लंब है तो इसलिए 90 हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एंगल डी ए एम इक्वल टू में एंगल बी सी एन, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है। तीसरी बात आती है तो यहाँ पे एडी जो होगा एडी यह इस सीबी के इक्वल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां से त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी एन बी के, सर्वांग सम हो गया कैसे, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सीपीसीटी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि ये जो आपका डीएम है ये डीएम इक्वल हो जाएगा ये बी एन के सीपीसीटी से। अच्छा चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि डीएम लंब है एसी पर तथा बीएन लंब है एसी पर, तो एक ही रेखा पर दोनों लंब है इसलिए क्या हो जाएंगे, डीएम समांतर हो जाएगा बीएन के, एक ही रेखा पर लंब समांतर होते हैं, समांतर होते हैं ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जब ये देख रहे हैं कि समांतर और बराबर दोनों हो गया तो बी एन डी एम एक क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर और बराबर दोनों हो गया, अतः बी एन डी एम एक समांतर चतुर्भुज है, हमने यहां पर दिखा दिया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और एम एन भुजाओं बी सी और ए डी के मध्य बिंदु है। अच्छा बी सी का मध्य बिंदु है एम और ए डी का मध्य बिंदु एन, यानी कि यहां से ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो सिद्ध करना है कि हमें ई ए बराबर ए बी बराबर बी एफ, ई ए किधर है देख लीजिए, ई ए बराबर में ए बी बराबर में बी एफ, यानी कि ये तीनों भाग बराबर होंगे, है ना। दूसरा फिर कह रहा है कि त्रिभुज सी ई बी, सी ई बी सर्वांग सम होगा डी एफ ए के, ये दोनों सर्वांग सम होंगे, ये भी दिखाना है सी बी ई और ये दूसरा कौन है डी एफ ए, ये सर्वांग सम होंगे। चलिए तो पहले क्या लिख लेते हैं जो दिया है और फिर क्या सिद्ध करना है, दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और एम एन क्रमशः भुजाओं बी सी ए डी के मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है पहला में क्या कर रहा है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बराबर में आपका हो जाएगा ए बी बराबर में आपका बी एफ, और दूसरे में कह रहा है कि त्रिभुज सी ई बी समांतर है त्रिभुज डी एफ ए के, ये भी हमें प्रमाणित करना है। चलिए फर्स्ट वाले के लिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं देखिए क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप कर देते हैं,
सर्वांगसम कर देते हैं, फिर इस तरह भी यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होता ही है, इसके बराबर हो जाएगा, तो तीनों सब बराबर नहीं हो जाएंगे जी। चलिए तो चलते हैं त्रिभुज, पहले देखिए किसमें हम ले लेते हैं, एन तथा त्रिभुज, देखिए एन लिए हैं, ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी ले लेते हैं त्रिभुज डी सी एन, एन और इधर डी सी एन, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होगा, यह वाला कोण इस कोण, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा एंगल, और यहाँ पे ये वाला भी कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, या फिर ये शीर्षाभिमुख वाला कोण ले लो, है ना जी, ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं पहले एंगल ई ए एन बराबर में एंगल यहाँ पे हो जाएगा सी डी एन, ठीक है, ई ए एन और ये सी डी एन बराबर हो जाएगा, कैसे, एकांतर अंतः कोण के युग्म है। दूसरा आपका हो जाएगा यहां पर ये ए एन इक्वल टू में डी एन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एन है ए डी का मध्य बिंदु है, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मध्य बिंदु है। अच्छा तीसरी बात आ जाएगी कि एंगल ई एन ए बराबर में एंगल सी एन डी, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहां से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ई एन सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी एन के, कैसे, यहाँ पे हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां पर लिख सकते हैं ये जो ए ई होगा ना ए इस डी सी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। इसी प्रकार इधर वाला भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एफ बी एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी एम के, एफ बी एम और डी सी एम सर्वांगसम हो जाएगा, चलिए सर्वांगसम हो जाएगा, ये भी वैसे ही करेंगे तो साइड एंगल साइड डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, तो जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ पे ये भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि आपका जो लेना था क्या था, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एफ बी, है ना जी, या बी एफ लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के, सी पी सी टी से। अच्छा और ये अपोजिट साइड इक्वल होगा ही यहाँ पर, है ना जी, यानी अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा आपके डी सी के बराबर होगा ही, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की बजाय बराबर होंगी ना जी, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा ई ए बराबर में ए बी और बराबर में ये आपका क्या हो जाएगा बी एफ, ये सभी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो सभी सी डी के इक्वल है, ये भी और ये भी, तीनों सी डी या डी सी के इक्वल है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना जी, पहला हो गया प्रमाणित। चलिए अच्छा दूसरा हमें जो दिखाना है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल सी ई बी, ध्यान से देखिए सी ई बी ये वाला त्रिभुज और डी एफ ये वाला त्रिभुज, तो इसमें देखिए इसको सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, तो देखो ए बी जो है ए बी में अगर ये ऐड कर लें और इधर ए बी में ये बी एफ ऐड कर लें, तो यहाँ से ए ई और ये बी ई इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना जी एक दूसरे के, तो इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना जी, यानी कि ए एफ यहाँ से बी ई के बराबर हो जाएगा। दूसरा चीज, इस वाले त्रिभुज में बी सी और इस वाले त्रिभुज में ए डी दिख जा रहा है, लेकिन अगर तीसरा चीज इसमें ढूंढिएगा तो तीसरा चीज जो है कोई तीसरा मिलेगा ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ से ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा ही नहीं, ये चीज नहीं देना चाहिए, ये ठीक है ये सर्वांगसम आप कर ही नहीं पाओगे कहीं से भी, मैंने बहुत सारा इसमें प्रयास कर लिया, बहुत चीज सोच लिया, लेकिन ये सर्वांगसम आप नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन में बस यही होना चाहिए था, इसको सर्वांगसम करने में बहुत, देख रहे हैं ना एक्चुअल में इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में कोई भी कोण या भुजा और कोई बराबर होगी नहीं किसी भी प्रॉपर्टी के आधार पर,
तो इसको करना मुश्किल है, ये होगा ही नहीं, ये अनपॉसिबल है ना जी। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, यही क्वेश्चन थे आपके, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांत सर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।